हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह। मैं आपके लिए लाया हूं एक और वीडियो पर्यावरणीय अध्ययन के संबंध में। तो बिना समय गवाए हुए मैं इसको शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, जैव मंडल जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? अभी देखिए, जैव मंडल यानी आपका बायोस्फेयर की बात की जा रही है, पूरी पृथ्वी की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि यह जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। तो एक दिया है 14 किलोमीटर तक, एक दिया है 22 से 30 किलोमीटर, और एक दिया है 114 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, 114 किलोमीटर ऊपर तक तो बैक्टीरिया नहीं होते, 80 किलोमीटर ऊपर तक भी बैक्टीरिया नहीं होते। हाँ, बैक्टीरिया पाए गए हैं 20 से 30 किलोमीटर तक, तो ये बात सही हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको बहुत सारे अन्य जीवधारी भी मिल जाते हैं। तो सत्य बात क्या है, 20 से 30 किलोमीटर तक। आगे बढ़ते हैं, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जैव मंडल, वायुमंडल, या आयन मंडल, या स्थल मंडल? अभी देखिए, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्र की बात कर रहे हैं ये लोग, तो उसको जैव मंडल कहेंगे। क्या शब्दावली का प्रयोग करेंगे? जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं, घरों की साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? घरों की साज सज्जा की सामग्री में जो हम लोग रखते हैं कृत्रिम पारितंत्र बनाकर, तो उसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है मछली वगैरह रखते हैं, तो उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कैसा होता है? अंतरिक्ष यान, ठीक है ना, तो उसमें जो हम लोग पारितंत्र बनाते हैं वह कैसा है? तो देखिए, स्वनियंत्रित है, हाँ ये बात सत्य है। लेकिन कृत्रिम पारितंत्र, तो स्वनियंत्रित पारितंत्र केवल अपने आप में सफिशियंट बात नहीं है, बल्कि हम लोग कहेंगे कृत्रिम पारितंत्र। कैसा कहेंगे? कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक बात। आगे बढ़िए, देखिए इसमें एक और चीज दी हुई है, अंतरिक्ष पारितंत्र। तो अंतरिक्ष पारितंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष यान के अंदर हम लोग कृत्रिम पारितंत्र बनाते हैं। अंतरिक्ष पारितंत्र कहाँ होगा? ये तो अंतरिक्ष में होगा, और यहाँ कृत्रिम पारितंत्र अंतरिक्ष यान के अंदर होगा, इसलिए याद रखिए ये नहीं होगा, बल्कि ये वाला कृत्रिम पारितंत्र वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्या हो सकता है? पारितंत्र हो सकता है, तो पारितंत्र कोई संकट नहीं होता। आगे, पारिस्थितिक संकट, हाँ ये बात सत्य है। फिर है जैव विलुप्ति संकट, और एक है जैव संकट। तो ये तीनों बातें सत्य हैं। अब इनमें से सबसे सत्य कौन सा है, सबसे बढ़िया कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। कैसा वाला? जिसमें ये जैव जीवधारी विलुप्त भी हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, और या फिर अन्य जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट भी आ सकते हैं। तो इसमें पारिस्थितिक संकट सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा है? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा है? तो कह रहे हैं वन पारितंत्र है, या फसल पारितंत्र है, या घास स्थल पारितंत्र है, या अलवणीय पारितंत्र है। अलवणीय पारितंत्र है, ठीक बात। तो इसको जान लीजिएगा, सही जवाब इसका कौन सा है? फसल। देखिए, मानव क्या करता है? फसल बोता है, तो इसलिए यह मानव निर्मित हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, कहीं पर भी सवाल आ जाए तो क्या लगाओगे? सूर्य। कहीं पर भी सवाल ऐसा आ जाता है तो तुरंत लगाइएगा क्या? सूर्य। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस एवं कवक को क्या बोलते हो? जीवाणु एक्टिनोमाइसिस एवं कवक, यह अपघटक होते हैं। कैसे होते हैं? अपघटक। आपको पता है, यह मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में से यह अपघटक वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये उत्पादक तथा उपभोक्ता की डेड बॉडीज को डिग्रेड करते हैं, उसको डिके करते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अपघटक। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य संयोजन कड़ी कौन सी होती है? पारितंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य संयोजन कड़ी, तो यह जो है इसमें क्या है? स्थायी अवस्था कही जाएगी, या फिर खाद्य जाल, खाद्य जाल के जरिए से ये संयोजित रहेंगे, या फिर जैव संरचना, या फिर पुष रीति? तो जान लीजिएगा, पारितंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य संयोजन कड़ी है जैव संरचना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक जीवधारी है उसकी संरचना में यानी उसकी शरीर की बनावट में ये अजैविक घटक इस्तेमाल होते हैं, और जब वह शरीर खत्म हो जाता है मृत्यु के बाद, तो उसके बाद में यह वापस किसमें? मिट्टी वगैरह में मिल जाता है, और मिट्टी से क्या होता है? पुनः
वह जो है दूसरे जीवधारियों में पहुंच जाता है, यानी कच्चा माल के रूप में वह दूसरे जीवधारी जैसे पौधे वगैरह उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार जैव संरचना एक संयोजक कड़ी हुई, इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि यह गलत हो सकता है, कहीं स्थायी अवस्था, खाद्य जाल अथवा पोषण रीति मत लगा दीजिएगा। इसका सही जवाब है जैव संरचना। आगे बढ़ते हैं, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो यह सभी को लगभग पता है, पारितंत्र में जीवी अथवा अजीवी या जैविक अथवा अजैविक घटक होते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर कैसा हुआ? अब देखिए, सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, अर्थात पादप पहला उत्पादक हो गया, पादप को खाने वाला कीट यह प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कीट को खाने वाला सर्प। तो जान लीजिएगा, पहले तो मैं लिखूंगा पादप, फिर है इसको खाया कीट ने, और कीट को खाया सर्प ने, और सर्प को खाया पता चला मोर ने। अब जान लीजिएगा, पादप उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। तो जान लीजिएगा इनमें से क्या सही हो जाएगा, यह खाद्य स्तूप के शीर्ष पर होगा। अगर इसको ऐसे हम खाद्य स्तूप बनाते हैं तो ये होगी घास, ये हो गए कीट, ये हो गया सर्प यहाँ पर, ठीक है ना, और ये हो गया मोर, और घास एवं कीट, तो इसको समझ लीजिएगा ये सही जवाब क्या हो जाएगा, मोर। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष। आगे बढ़ते हैं, मित पोषणी झील इसका क्या उदाहरण है? देखिए, मित पोषणी झील यानी मित पोषण माने कम पोषण, ऐसे ऐसे जिसमें पोषण बहुत ही कम मात्रा में मिल पा रहा हो। तो उसमें कह रहे हैं कि कश्मीर की डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील, राजस्थान की सांभर झील और दक्षिण भारत की ऊटी झील। तो इनमें से देखिए ये वाला सही जवाब होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान की सांभर झील में बहुत ज्यादा पैमाने पर नमक है, अर्थात वह किसी को पोषण नहीं दे सकती, ऐसे में वह पोषणीय नहीं हुई, मित पोषणीय हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान की ये सांभर झील। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है, तो इसका जान लीजिएगा सही जवाब क्या है, तापक्रम परिवर्तन या पवन या फिर सूर्य प्रकाश की दशाएं और या फिर जल की प्राप्यता। तो सबसे कम प्रभाव डालने वाला कौन सा है? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला तो जल की प्राप्यता हो गई, उसके बाद तापक्रम परिवर्तन और सूर्य का प्रकाश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें से पवन ऐसी चीज है जो कि सबसे कम प्रभावी हुई जाके इन चारों में से। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवन बिल्कुल प्रभावी नहीं होगी, लेकिन इन चारों में से सही जवाब होगा पवन का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नुकीली पत्तियां एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए, पत्तियां अगर नुकीली हो जाएं, पत्तियां अगर नुकीली हो जाएं और जड़ें जो हैं वो गहराई में चली जाएं, तो यह किस प्रकार के पौधे होंगे, मरुद्भिद, आर्द्रतोद्भिद या मरुस्थली पौधे या समुद्भिद? अब देखिए, इसमें जो मरुद्भिद शब्दावली है वो सत्य है, मरुद्भिद का मतलब ही मरुस्थली पौधे है, लेकिन चूंकि यह ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, देखिए मरुद्भिद यह तत्सम में है और यह तद्भव में है एक तरीके से, तो हम लोग इसको लगाएंगे, जब दोनों दिया है तो इसको लगाएंगे, यदि दोनों न दिया होता, केवल यह दिया तो ये भी सही होता, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मरुद्भिद। आगे बढ़िए, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संरक्षण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं? जैसे मैं बात करूं, एक है जंगल और एक है जंगल के अंदर तालाब, तो जहां पर तालाब और जंगल, तालाब खत्म होता है और जंगल शुरू होता है, तो वहां पर उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। या फिर इसको एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे नदी का पानी समुद्र से जब मिलता है तो नदी फ्रेश वाटर वाली है और समुद्र कैसा होता है, खारे पानी वाला। तो ये फ्रेश वाटर जो है, यह जहां पर खारे पानी से मिलता है वो एक इकोटोन बनाता है, क्या बनाता है, इकोटोन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन यह एकाकी जीव की या जीव समुदाय की या पारिस्थितिक तंत्रों की या इनमें से कोई नहीं? तो जान लीजिएगा इसका सही जवाब है पारिस्थितिक तंत्रों की, क्योंकि सस्टेनेबल दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र हों, ठीक बात, यानी तो इसका जो है दीर्घकालिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल लाइफ जो है, वो तभी हो सकती है जब पारिस्थितिक तंत्र
आपस में एक दूसरे से जुड़े हों और सभी पारिस्थितिक तंत्र सही तरीके से काम कर रहे हों। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस प्रकार के जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है। देखिए, पोषण स्तर जो है वो बढ़ रहे हैं, उनके साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है, यानी ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या श्वसन के द्वारा, या वाष्पोत्सर्जन, या प्रजनन। तो इसका सही जवाब है श्वसन के द्वारा। आपको पता है जो ऊर्जा है वह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने पर 90% लॉस होता है, और ये लॉस क्यों होता है? तो यह श्वसन के जरिए से प्राणी ऊर्जा लेते हैं, इससे ही श्वसन से ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यह ऊर्जा श्वसन के जरिए से निर्मुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्टोर होती है और श्वसन में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य रूप से आधा आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जान लीजिएगा, आहार श्रृंखला में कुल कितनी? 4 कड़ियां होती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, सामान्य रूप से अगर मैं बोलूँ तो उत्पादक होते हैं, और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक, ये होते हैं तृतीयक। तो देखिएगा तृतीयक वाला, अर्थात मैं अगर ऐसे बोलूं इसको तो ऐसे भी आप लिख सकते। देखिए, उत्पादक, फिर क्या कहोगे, प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। तो उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। ठीक है, इसको समझ लीजिए, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार जो है यह आहार श्रृंखला में 4 कड़ियां होती हैं। आगे बढ़िए, अपघटक को हम लोग आहार श्रृंखला में नहीं रखते, ये याद रखिएगा, अपघटक को हम लोग आहार श्रृंखला में नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र ज्यादा उत्पादक होगा जब उस तंत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बोले कि एक ऐसी चीज होगी, जैसे ज्वार लिखा है, जलीय प्रवाह लिखा है, जीवाश्म ईंधन लिखा है और सौरिक विकिरण लिखा है। तो इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? सौरिक विकिरण, यानी सूर्य का प्रकाश। तो याद रखिएगा, जलीय प्रवाह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा, तभी जो है कोई उत्पादक बन पाएगा, उत्पादक फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, स्क्लेरोफाइट्स, यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्क्लेरोफाइट्स, यह शब्दावली झाड़ी वाले पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे वाले पौधों के लिए? झाड़ी वाले पौधों के लिए स्क्लेरोफाइट्स शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध बोले कि प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, कितना अंश? अधिकतम अंश या न्यूनतम अंश या आधा अंश या संपूर्ण अंश? अब देखिए, चूंकि वो उच्च श्रेणी के मांसाहारी हैं तो उनके पास उत्पादकता का बहुत ही कम अंश यानी न्यूनतम अंश पहुंच पाएगा, क्योंकि हर स्तर पर लगभग 90% उस ऊर्जा जो है वो लॉस हो जाती है। हर स्तर पर कितना परसेंट लॉस हो जाती है? 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है। तो इसलिए उसका न्यूनतम अंश जो बोले कि उच्च श्रेणी के मांसाहारियों तक पहुंच पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला लिखा है, गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। दूसरा लिखा है, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। और तीसरा लिखा है, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। और चौथा दिया है, सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। तो ये बात मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा सही है, बोली कि सबसे ज्यादा गलत है, कौन सा वाला? ये वाला। देखिए, गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। ये आपको पता है, उद्भवन जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, तो उसके मौलिक पदार्थों का सृजन गुण परिवर्तन की प्रक्रिया, ये सत्य बात हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है, ये रिकम्बिनेशन के द्वारा, ये भी सही है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है, ये भी सत्य है। तो कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य नहीं है? तो यही वाला सत्य नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हो? तो जल की जो मृदा में जल होता है उसको होलार्ड कहते हो या चिसार्ड कहते हो या एकार्ड कहते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको रट लीजिए, ये होलार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? होलार्ड। याद रखोगे ना, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा होलार्ड कहलाती है, याद रखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? साइक्रोमीटर या बैरोमीटर या एमीटर या अक्सेनोमीटर। देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता जब हम ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम लोग साइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव जो क्या बोलते हैं ह्यूमस है उसमें, वह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर हाइग्रोमीटर दिया होता तो वो भी सही होता, लेकिन वह दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बालुकोद्भिद अर्थात सैंड वाले, तो यह बालुकोद्भिद माने सैंड वाले, तो सैंड वाले का मतलब बजरी तथा रेत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। बालुकोद्भिद ऐसे पौधे हैं जो कि बजरी तथा रेत में उगते हैं। आगे बढ़ते हैं, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, पहला दिया है ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है, तो ये तो बात सत्य है। फिर दूसरा दिया है, जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं, ये भी बात सत्य है, क्योंकि संचयित पदार्थ जो हैं वो तो ऑलरेडी संचित हैं और ये संचरणशील बहुत कम अमाउंट होती है, ज्यादातर संचित पदार्थ के रूप में ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिक तंत्र की वह दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। और अगला दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है, अस्थिरता नहीं बल्कि स्थिरता बढ़ जाती होना चाहिए, तो यानी यही गलत हो गया, यही सत्य नहीं है, ठीक बात है। बाकी ये सब सत्य हैं लेकिन यही गलत है। आगे बढ़ते हैं, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हो? ऐसी भूमि में पौधे उगे जो कि बहुत सख्त भूमि है तो उसको क्या कहोगे, शैलोद्भिद या बालुकोद्भिद या कर्सोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कर्सोफाइट्स, याद रखोगे ना। देखिए, अगर बेकार सख्त भूमि के बजाय यहाँ पर शब्द होता पत्थर पथरीली भूमि तो ये शैलोद्भिद हो जाते, लेकिन बेकार सख्त भूमि में कर्सोफाइट्स इसको कहेंगे, ठीक बात। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, बालुकोद्भिद वो होते हैं जो कि सैंड में उगते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? ऐसे कौन से पिरामिड हैं जिनसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध हो? तो ऐसे एक तो संख्या का पिरामिड लिखा है, एक बायोमास का, एक ऊर्जा का। अब देखिए, तीनों चीजें इन्होंने दे दी, संख्या भी दे दिया, बायोमास भी दे दिया और ऊर्जा का पिरामिड भी दे दिया, इन तीनों में से, और फिर दे दिया है दो एवं तीन यानी बायोमास तथा ऊर्जा। तो ऐसे जिससे हमको उत्पादकता का पता चले, तो उत्पादकता हमको कैसे पता चल सकती है? एक तो बायोमास के जरिए से, उनमें कह रहे हैं कि बायोमास कितना है, और बायोमास से क्या हमको पूरी तरीके से ऊर्जा का पता चल जाएगा? संख्या से भी ऊर्जा का पता चल सकता है, लेकिन चूंकि उत्पादकता पूछ रहे हैं तो उत्पादकता डिपेंड करती है सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर पर, वो क्या है, ऊर्जा पर, ठीक है ना। जितना जिसमें ऊर्जा होगी उतना ही उसमें उत्पादकता होगी, तो सीधी सी बात है, ऊर्जा पिरामिड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न कि संख्या न कि बायोमास। यद्यपि ये दोनों ही भी सही हैं, कुछ हद तक उत्पादकता बताते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर जो इसमें है वो ऊर्जा का पिरामिड है, दोनों वाला गलत है, दो एवं तीन वाला भी गलत है। तो सही जवाब क्या है इसका, ऊर्जा का पिरामिड। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछा जा चुका है, और इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, महासागर। ये हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महासागर। देखिए, महासागर में बहुत बड़े पैमाने पर पोटेंशियल है कि वह पोषण दे सकें, किसको, ये जान लीजिएगा, जो भी वहाँ के जीवधारी हैं जो महासागर में रहते हैं उनको पोषित किया जा सकता है महासागरीय तंत्र के द्वारा, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी वही हुआ, ठीक है ना। एक और बात भी है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पैमाने पर सबसे ज्यादा मात्रा में महासागर उपलब्ध है, तो इसलिए इसका इस आधार पर भी आप कह सकते हो कि वन, पर्वत और रेगिस्तान से बड़ा कौन है, महासागर, तो इसके लिए भी ये बात सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार किस महीने के पहले सोमवार को विश्व हेरिटेज दिवस मनाती है? जान लीजिएगा, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर महीने के, याद रखिएगा, गांधी जी वाला, ठीक बात है, गांधी जी से आप इसको कोरिलेट करके रख सकते हो, तो गांधी जी वाला अक्टूबर महीने का पहला सोमवार जो है उसको विश्व हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं,
पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, जो टिकाऊ है, जो अब इतनी जल्दी नष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हो, तो जान लीजिएगा। देखिए, इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमेक्स और सिरल, तो इनमें से जान लीजिएगा, सक्सेशन एक प्रोसेस है जिससे एक जैव समूह धीरे धीरे स्थायित्व को प्राप्त होता है। क्लाइमेक्स पूरी तरीके से स्थायी हो चुका है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा टिकाऊ या बोले कि एक टिकाऊ जैव समुदाय देखा जाएगा तो इकोटोन होगा। ऐसा क्यों? देखिए, क्लाइमेक्स जो है ये चरम कंडीशन है, क्लाइमेक्स के बाद में हो सकता है वो काफी स्थायी बना रहे बहुत समय तक, जब तक कि कोई अल्टरेशन नहीं होगा, जब तक कि वातावरण चेंज नहीं होगा। लेकिन इकोटोन ऐसा है जो एक, जैसे मैं तालाब का उदाहरण अभी दिया था, तो तालाब एक है और तालाब के पास में ये फॉरेस्ट है, इधर फॉरेस्ट है, तो यह यहाँ पर के जो जीवधारी होंगे वो इसमें भी परिवर्तित हो सकते हैं और इसमें भी परिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात अगर बाई चांस सूखा पड़ जाए तो तालाब तो सूख जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट इधर वाला है तो ये बना रहेगा, तो ये इधर वाले क्या करेंगे, यहाँ पर वाले जीवधारी, देखिए तालाब वाले जीवधारी मर जाएंगे लेकिन इधर वाले जीवधारी इसमें आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। और अगर बाई चांस कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो ये वाले तो मर जाएंगे लेकिन इधर वाले इसमें आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये वाले ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्थायी रहते हैं, ये इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और मुझे आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद।